हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्नो इस लाइव पे। तो ये जो मैं पिछले 2 दिन से केरला पीएसयू का जो क्वेश्चन पेपर लेके आया था, उसका 2 पार्ट मैंने कल दे दिया था, परसों और कल दिया था। आज मैं फाइनल पार्ट दूंगा और आज ही उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेपर का मैं लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन दोस्तों से बोलना चाहूँगा जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, जाइए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। फॉर बैलेंसिंग अ काउंटर वेट इज रिक्वायर्ड वाइल क्लाइंबिंग वर्क ऑन, मीन्स बोल रहा है कौन सा ऐसा एक्सेसरीज है लेद में जिसमें काउंटर वेट की आवश्यकता पड़ती है जब उसको ट्रू किया जाता है। तो ऑप्शन ए है कैश प्लेट, ऑप्शन बी है फेस प्लेट, ऑप्शन सी है बैक प्लेट, ऑप्शन डी है फोर जो चाप। तो आपको इसका आंसर पता होगा, 53 का आंसर जो होगा वो 53 का आंसर बी होगा। 53 का आंसर बी होगा कि जब भी फेस प्लेट को, आपको पता होगा फेस प्लेट का यूज़ हम लोग कुछ भी इनरेगुलर टाइप का जॉब जिसको हम लोग 3 जो चाक या 4 जो चाक में यूज होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग उसको फेस प्लेट में होल्ड करते हैं। तो ठीक उसी के वेट के बराबर ट्रू करने के लिए उसको अपोजिट साइड में लीड की, आपको पता एक वेट काउंटर वेट लगा दिया जाता है जिससे वो ट्रू किया जाए, उसको काउंटर वेट उसे अपोजिट दिया जाता है जो कि लीड का बना होता है, ठीक है। तो इसलिए फेस प्लेट में इसका यूज होता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। हीट ट्रीटमेंट फॉर ए स्टील इज डन फॉर चेंजिंग इट्स स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, विच ट्रीटमेंट इज डन फॉर गेटिंग ए यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील। बोलता है कि आपको पता होगा हीट ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाता है किसी भी मेटल का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए। तो बोलता है इन चारों ऑप्शन में जो दिया है इनसे किस स्ट्रक्चर में हमको यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर मिलता है। ऑप्शन ए टेम्परिंग, ऑप्शन बी एनीलिंग, ऑप्शन सी नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन डी हार्डनिंग। आपको पता होगा सी नॉर्मलाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमको यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर जो है स्टील का वो मिलता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या बोलता है। बोल रहा है पेपर टर्निंग बाय स्वेवलिंग कंपाउंड स्लाइड मेथड, द कंपाउंड स्लाइड इज स्वेल टू। बोल रहा है अगर आपको पेपर टर्निंग करनी है कंपाउंड स्लाइड मेथड से, तो हमको कंपाउंड स्लाइड को कितना स्वेल करना पड़ेगा, मतलब कितना घुमाना पड़ेगा। ऑप्शन ए बोलता है फुल टेपर एंगल, ऑप्शन बी बोलता है हाफ टेपर एंगल, ऑप्शन सी बोलता है 2 into फुल टेपर एंगल, ऑप्शन डी बोलता है 1/4 ऑफ टेपर एंगल। तो आपको पता होगा कि जब भी कंपाउंड स्लाइड से टेपर किया जाता है तो टेपर कंपाउंड स्लाइड को हाफ टेपर एंगल घुमाया जाता है, मीन्स 55 का बी आंसर होगा। 56 देखिए क्या बोल रहा है। रॉट आयरन कंटेनिंग, रॉट आयरन में क्या क्या होता है। ऑप्शन ए आयरन कार्बन सल्फर, ऑप्शन बी आयरन कार्बन निकल, ऑप्शन सी आयरन कार्बन सिलिकॉन और ऑप्शन डी आयरन कार्बन फ्लक्स। तो इसका आंसर होगा 56 का ए आयरन कार्बन एंड सल्फर। 57 नंबर के देखिए क्या है। विच द फॉलोइंग डाई इज यूज्ड फॉर कटिंग एक्यूरेट थ्रेड, मीन्स बोल रहा है इन चारों डाई में से कौन से डाई का यूज हम करते हैं एक एक्यूरेट थ्रेड काटने के लिए, एक्यूरेट थ्रेड काटने के लिए। ऑप्शन ए देखिए सॉलिड डाई, ऑप्शन बी स्प्लिट बटन डाई, ऑप्शन सी डाई नट, ऑप्शन डी टू पीस एडजस्टेबल डाई। तो 57 का आंसर होगा सी डाई नट। 58 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज को क्या बोलते हैं। किसी भी मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बेसिक साइज, ऑप्शन बी नॉमिनल साइज, ऑप्शन सी एक्चुअल साइज, ऑप्शन डी टॉलरेंस। तो 58 का आंसर होगा डी टॉलरेंस। 59 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है ग्राइंडिंग व्हील इज मार्क्ड विद AIG P5BBE वेयर 5 इंडिकेट, 5 क्या इंडिकेट करता है। आपको पता है कि जो ग्राइंडिंग व्हील में हम लोग ग्रेन साइज के एंड पहले मैन्युफैक्चरर का नाम आता है, ग्रेन साइज आता है, उसकी बॉन्डिंग होती आती है, उसका स्ट्रक्चर्स आते हैं, उसके बाद बॉन्ड किस बॉन्ड से बना वो आता है। तो आपको पता है कि जो 5 दिया हुआ है ये है हमें ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ग्राइंडिंग व्हील की स्ट्रक्चर दी हुई है। तो 59 का सी होगा। 60 नंबर क्या बोलता है। विच इज़ द कूलेंट कॉमनली यूज वाइल ड्रिलिंग माइल्ड स्टील। आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में आ चुका है,
माइल्ड स्टील काटने के लिए कौन सा सॉल्यूबल ऑयल किस तरह का कूलेंट यूज किया था, आपको आंसर पता होगा सॉल्यूबल ऑयल 60 का बी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, द रेडियस बिटवीन द स्टेप चेक बाय, बोला दो स्टेप के बीच में रेडियस इसको आप किससे चेक करेंगे। ऑप्शन ए फिलेट गेज, ऑप्शन बी रिंग गेज, ऑप्शन बी सी फिलर गेज, ऑप्शन डी रेडियस गेज। आपको पता होगा कि अगर दो स्टेप के बीच में रेडियस हो तो हम रेडियस गेज से चेक कर सकते हैं, क्योंकि रिंग गेज का यूज नहीं कर सकते हैं। फिलर गेज सिर्फ गैप मापने के लिए किया जाता है, रिंग गेज के लिए हम लोग जनरली हम लोग आउटसाइड डायमीटर मापने के लिए करते हैं। 62 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, द पॉजिटिव टॉप बैक रेक एंगल प्रोवाइडेड ऑन लेथ कटिंग टूल इज बेस्ट यूज फॉर कटिंग। बोल रहा है कि आपको पॉजिटिव रेक एंगल दिया गया है, तब कौन से मटेरियल के आप किसके यूज करेंगे। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी ब्रास, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होगा पॉजिटिव रेक एंगल हमेशा सॉफ्ट मटेरियल के यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम ब्रास वुड सारे सॉफ्ट मटेरियल है, इसलिए 62 का डी ऑल ऑफ द अबव होगा। 63 नंबर देखिए, व्हाइल फिनिश टर्निंग द कटिंग स्पीड सिलेक्शन, बोलना आपको जब आप लेथ में जब रफ टर्निंग करते हैं, रफ टर्निंग बस टर्निंग को फिनिश करने के लिए आप स्पीड कितना क्या चूज करेंगे। ऑप्शन ने बोलता है सेम अप एस रफ टर्निंग, मींस रफ टर्निंग एक समय जो स्पीड यूज की थी वही यूज स्पीड यूज करेंगे। ऑप्शन बी टू टाइम्स मोर देन रफ टर्निंग, रफ टर्निंग समय जो स्पीड दी थी उसका दोगुना। ऑप्शन सी लेस देन रफ टर्निंग, अपने रफ टर्निंग समय जो स्पीड दी थी उससे कम। एंड डी है स्पीड मोर देन 600 RPM, मीन्स 600 RPM से ज़्यादा आप यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर आपको पता होगा कि फिनिश टर्निंग करते समय हमेशा स्पीड को बढ़ाई जाती है, तो कितनी बढ़ाई जाती है। तो हमेशा देखिए बी और डी में कन्फ्यूज हो सकते हैं कि रफ टर्निंग का दोगुना या 600 समय हमेशा ज़्यादा। तो ये याद रखिए आपने रफ टर्निंग उस मेटल को जिस स्पीड पर की है उसका दोगुना करके हम लोग उसको फिनिश टर्निंग करते हैं, क्योंकि सब कोई भी सब मेटल ऐसा नहीं है कि उसको 600 RPM पर फिनिश कर सकते हैं, कुछ उससे नीचे भी फिनिश होती है। तो इसीलिए जब हमेशा रफ टर्निंग का डबल यूज कर सकते हैं, 2 से 3 गुना होता है रफ टर्निंग की। 64 नंबर देखिए क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द थ्रेड फॉर्म यूज ऑन लेथ टेलीस्टॉक स्पिंडल, लेथ के टेलीस्टॉक स्पिंडल में कौन सा थ्रेड यूज होता है। ऑप्शन ए वी थ्रेड, ऑप्शन बी ट्रापीजोडियल थ्रेड, ऑप्शन सी स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन डी सॉ टूथेड थ्रेड। तो आपको पता होगा टेलीस्टॉक के स्पिंडल में जो हमारा स्क्वायर थ्रेड होगा, तो 64 का सी आंसर हमारा राइट है। 65 देखिए, इफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन स्क्रीन इंक्रीज हाईली इन द स्टील इट विल टेंड टू मेक द स्टील। आपको पता होगा जैसे जैसे किसी भी स्टील में कार्बन का परसेंटेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो स्टील हार्ड एंड ब्रिटल होती जाती है, तो 65 का बी। आपका 66 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फाइल इज सुटेबल फॉर फाइलिंग एंड लेथ वर्क, बोला कौन से फाइल का यूज हम करते हैं लेथ वर्क के लिए। ऑप्शन ए सिंगल कट फाइल, ऑप्शन बी डबल कट फाइल, ऑप्शन सी सेकंड कट फाइल, ऑप्शन डी रेस्ट कट फाइल। तो मैं बता देना चाहूँगा कि जो ऑप्शन ए बी और डी है ये लेथ ग्रेड को कितने तरह भागा गया है, सॉरी फाइल में कितने तरह के कट पाया जाए, सिंगल कट डबल कट अकॉर्डिंग टू कट फाइल को कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है, तो सिंगल कट है, डबल कट है, रेस्ट कट है और कर्व कट है। तो और ये जो ग्रेड है वो सेकंड कट फाइल का ग्रेड है, तो इसका 66 का आंसर होगा जो सी होगा, कि हम सेकंड कट फाइल का यूज़ करते हैं हम लोग लेथ वर्क में फिनिश करने के लिए, फाइलिंग करने के लिए। 67 नंबर देखिए क्या है, बोल रहा है द नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड अवेलेबल फ्रॉम कोन पुली हेड स्टॉक वेयर द कोन पुली हैव अ 4 स्टेप इज, बोल रहा है कोन पुली हेड स्टॉक है जिसमें हेड स्टॉक में जो 4 स्टेप्स हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ स्पीड हम पा सकेंगे। तो इसका आंसर होगा 8। कभी भी कोन पुली ले दोगा अगर उसके जितने स्टेप्स हैं उनका डबल हम लोग स्पीड कर सकते हैं, क्योंकि बैक गियर इंगेज करके एक तो बिना बैक गियर इंगेज किए 4 स्पीड मिलेगी और बैक गियर इंगेज करने के बाद और 4 स्पीड, टोटल आपकी कितनी होती है 8 हो जाती है। तो 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, लीड इज द मेटल यूज फॉर ए काउंटर वेट फॉर बैलेंसिंग अ फेस प्लेट। मैंने पहले बताया था उससे पहले क्वेश्चन में कि फेस प्लेट को बैलेंस करने के लिए लीड का यूज किया जाता है। व्हेन इट इज माउंटेन ऑन द लेथ द रीजन ऑफ सिलेक्टिंग लीड, लीड को किस लिए सिलेक्ट किया जाता है। लीड एक मोस्ट हेवीएस्ट मेटल है, मोस्ट हेवीएस्ट मेटल है जिस
ठीक है, इसीलिए रीड को यूज किया जाता है। 69 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, वाइल टर्निंग ऑपरेशन द कटिंग एज ऑफ टूल इज चिप्ड ऑफ फॉर रिड्यूसिंग दिस डिफेक्ट विच विल बी सुटेबल प्रोविजन फॉर फॉलोइंग। बोल रहा है जब भी आप टर्निंग करते हैं, टर्निंग करते में क्या होता है, हमारा जो कटिंग टूल है वो टूट जाता है। इस डिफेक्ट को टूट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए इंक्रीज फीड रेट, ऑप्शन बी डिक्रीज नोज रेडियस, ऑप्शन सी रिड्यूस कटिंग स्पीड, ऑप्शन डी है यूज नेगेटिव ब्रेक एंगल। आपको पता होगा फीड रेट बढ़ाते हैं तभी जो टूल होगा वो चिप ऑफ या टूट जाएगा। अगर नोज रेडियस को कम करते हैं तो हमारी फिनिश अच्छी नहीं आएगी। अगर कटिंग स्पीड भी कम करते हैं तब भी वैसा ही जैसा टूल टूटता है वैसा ही होगा। तो इसका आंसर होगा 69 का डी। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, द टेल स्टॉक स्पिंडल होल इज प्रोवाइडेड विद। टेल स्टॉक स्पिंडल का जो होता है उसमें कौन सा टेपर होता है, ऑप्शन ए मेट्रिक टेपर, ऑप्शन बी मोस्ट टेपर, ऑप्शन सी जर्नो टेपर, ऑप्शन डी ब्राउन शैफ्ट टेपर। आपको पता होगा इस टेल स्टॉक स्पिंडल उसमें ब्राउन मोस्ट टेपर होता है। ब्राउन शैफ्ट टेपर आपको पता होगा मिलिंग मशीन में मिलता है और लेद में मोस्ट टेपर मिलता है। 71 नंबर देखिए क्या है, कुछ इसमें फॉल्ट है आप देख लीजिए क्या है। इन दिस सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट होल साइज गिवन 50 mm बेसिक साइज एंड मैक्सिमम मिनिमम लिमिट गिवन। जो प्लस आपको दिए प्लस ठीक है वो 50 के जगह आप लोग उसको कर लीजिएगा 0.50 कर लीजिएगा और 0.7 कर लीजिएगा, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपका अपर लिमिट हो जाएगा 50.50 और लोअर लिमिट आपका हो जाएगा 50.07। आप इसको ठीक कर लीजिएगा, आपको जो आंसर आएगा वो ये आएगा, सॉरी बी नहीं आएगा। आप 50 को कर लीजिएगा 0.05, आपको जो आंसर आएगा, ये क्वेश्चन कुछ डाउटफुल है ठीक है। आप देख लीजिए प्लस 50 दिया 7 दिया है तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए। तो आप इसको अपर लिमिट क्या करता है, जो अपर लिमिट है उसको 50 से ऐड कर दिया आपका अपर लिमिट मिल जाएगा, लोअर लिमिट है उसको 50 से ऐड कर दीजिए आपको लोअर लिमिट भी मिल जाएगा। 72 नंबर देखिए, विच इज द चक यूज फॉर होल्डिंग वर्क क्विकली एंड हाई ग्रिपिंग पावर। मीन्स बोलते हैं इन चार में से कौन सा ऐसा चक है जिसको हम लोग यूज करके बहुत ही क्विकली हम जॉब को होल्ड कर सकते हैं और ग्रिपिंग पावर भी हाई होता है। ऑप्शन ए है फोर्ज इंडिपेंडेंट चक, ऑप्शन बी है हाइड्रोलिक चक, ऑप्शन सी है थ्री जॉ चक, ऑप्शन डी है कॉलेट चक। आपको पता होगा फोर्ज चक में जॉब को ग्रिपिंग पावर बहुत हाई होती है पर इसमें होल्ड करने में हमको बहुत टाइम लगता है। ऑप्शन इसका आंसर मैं बता दूँ, 72 का आंसर जो होगा वो 72 का बी होगा, वो बी क्यों होगा इसलिए मैं बता देता हूँ। ऑप्शन देखिए 72 का ए फोर्ज चक जो इंडिपेंडेंट चक बोलता है उसको यूज़ करने के लिए उसमें ग्रिपिंग पावर हाई होती है पर उसमें जॉब को ट्रू करने में बहुत टाइम लगता है। ऑप्शन सी थ्री जॉ चक, थ्री जॉ चक को सेल्फ सेंटरिंग चक यूनिवर्सल चक बोलते हैं ठीक है। इस चक में आप जॉब को बहुत क्विकली ट्रू कर सकते हैं पर इस ग्रिपिंग पावर बहुत ही लो होती है। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी जो कॉलेट चक दिया गया है तो कॉलेट चक में क्या है आपको जो सेंटरिंग होगी बहुत ईजली होती है बहुत ट्रू होती है, इसकी भी ग्रिपिंग पावर बहुत कम होती है। जबकि हाइड्रोलिक चाक होती है ये बहुत क्विकली विद द एयर प्रेशर, क्योंकि इसमें एयर प्रेशर का यूज़ किया जाता है तो ये इसमें बार बार आप इसमें खोलते ओपन तो इसकी ग्रिपिंग पावर बहुत अच्छी होती है और बहुत क्विकली ये होल्ड कर सकता है। 73 नंबर देखिए क्या है, तो 72 का आंसर होगा बी होगा। विच टाइप ऑफ टूल पोस्ट हैव द टूल हाइट इज क्विकली एडजस्टेबल। मीन्स बोल रहा है कि कौन से टूल पोस्ट का यूज़ करके हम लोग टूल को हाइट को बहुत इजीली सेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए है सिंगल वेट टूल पोस्ट, ऑप्शन बी है ब्रिटिश टाइप टूल पोस्ट, ऑप्शन सी है फोर वेट टूल पोस्ट, ऑप्शन डी है ओपन साइड टूल पोस्ट। तो 73 का आंसर जो होगा डी होगा कि ओपन साइड टूल पोस्ट का यूज़ करके हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। 74 नंबर देखिए क्या है, द पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन कैन नॉट बी डन व्हेन द वर्क पीस हेल्ड बाय। मींस बोल रहा है कि पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन हम लोग कब नहीं कर सकते हैं, जब वर्कपीस को हम लोग कब कैसे होल्ड किए हैं कि इसमें पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए फोर्थ जो इंडिपेंडेंट चक, ऑप्शन बी थ्री जो सेल सेंट्रिक चक, ऑप्शन सी बिटवीन सेंटर, ऑप्शन डी कॉलेट चक। आपको पता होगा जब भी जॉब को हम लोग बिटवीन सेंटर होल्ड करते हैं तो हम लोग पार्टिंग ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। 75 नंबर देखिए, लेथ डॉग क्या है,
ऑप्शन ए वर्क सपोर्टिंग डिवाइस, ऑप्शन डी वर्क होल्डिंग डिवाइस, ऑप्शन डी टूल होल्डिंग डिवाइस, ऑप्शन डी टूल गाइडिंग डिवाइस। तो इसका 75 का आंसर जो होगा वो होगा बी होगा 75 का आंसर। ठीक है, 76 नंबर देखिए क्या, अ लेथ बेड इज मेड, आपको पता होगा लेथ का बेड जो है कास्टरन का बना होता है, तो 76 का डी होगा। 77 नंबर क्या बोला देखिए, अ पाइप अ पिप इज फॉर्म एट अ सेंटर वाइल फेसिंग इज ड्यू, बोल रहा है कि सेंटर जब हम लोग किसी जॉब को फेसिंग कर रहे थे तो उसके सेंटर में एक पिप मीन्स छोटा सा पिप निकला हुआ, एक बिंदु तरह का बना हुआ है, वो क्यों होता है? ये तभी होता है जब आप टूल को प्रॉपर सेंटर में नहीं सेट करते हैं, या सेंटर से टूल आपको ऊपर होता है या नीचे होता है, तब क्या होगा, द कटिंग टूल इज नॉट अबव द सेंटर नॉट प्रॉपर। ये 78 नंबर देखिए क्या है, साइड रिलीफ एंगल टूल प्रोवाइड ओनली, बोल रहा है कौन सा टूल में सिर्फ साइड रिलीफ एंगल प्रोवाइड किया जाता है, ऑप्शन ए फेसिंग टूल, ऑप्शन बी लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल, ऑप्शन सी पार्टिंग टूल, ऑप्शन डी है थ्रेड कटिंग टूल। तो बता दूँ इसका आंसर 78 का जो होगा वो होगा सी होगा, क्योंकि कुछ पार्टिंग टूल में ऐसा साइड रिलीफ एंगल प्रोवाइड किया जाता है, ये एंगल दोनों साइड प्रोवाइड किया जाता है ताकि जब पार्टिंग करते समय जॉब के साइड से कटिंग टूल को रबिंग ना हो। 79 नंबर देखिए क्या है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फीड मैकेनिज्म ऑफ लेथ, इनमें से कौन सा फीड मैकेनिज्म लेथ का नहीं है, ऑप्शन ए टम्बलर गियर, ऑप्शन बी बुल गियर, ऑप्शन सी फीड रॉड, ऑप्शन डी चेंज गियर। तो 79 का आंसर बी होगा, क्योंकि आपको पता होगा बुल गियर किसी भी लेथ का पार्ट नहीं है, बुल गियर सेपर मशीन में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, विच इज अ आर्टिफिशियल एब्रेसिव, इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल एब्रेसिव है, ऑप्शन ए क्वार्ट्ज, ऑप्शन बी सिलिका सैंड, ऑप्शन डी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी सिलिकॉन कार्बाइड। तो आपका 80 का आंसर होगा सी सिलिकॉन कार्बाइड, जो है एक आर्टिफिशियल एब्रेसिव है, बाकी सब जो है वो नेचुरल एब्रेसिव है, और इस नेचुरल एब्रेसिव में एक और आता है जिसको बोलते हैं कोरिएंडम और डायमंड, ये सब नेचुरल एब्रेसिव है। ठीक है, और सिलिकॉन कार्बाइड दो एब्रेसिव जो है वो आर्टिफिशियल, एक है सिलिकॉन कार्बाइड और एक है एल्युमिनियम ऑक्साइड। सिलिकॉन कार्बाइड आपको पता होगा लो टेंसाइल मटेरियल के लिए यूज होता है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो हाई टेंसाइल मटेरियल के लिए यूज होता है। और इसके नीचे सारे जो क्वेश्चन हैं वो देख लीजिए, अब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, मैं उनको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसको पेपर में जब वीडियो का अंत में दे दूंगा आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप नहीं मिला आप गूगल पे मारिए डायरेक्ट, आपको मिल जाएगा, देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन है। हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, आपको पता हो बी आर अम्बेडकर जी है। तिहाड़ जेल कहाँ है, ठीक है तिहाड़ जेल कहाँ है। हु गिव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसकी थ्योरी है, आपको पता डार्विन की थ्योरी है। हु फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था, 1952 में पहला इलेक्शन हुआ गया था। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वॉज कैरिड बाई किस, सब्सिडरी अलायंस किसकी सिस्टम है। वर्ल्ड चेल चैंपियन 2013 में कौन जीता था एज एग्जाम्पल ऑफ पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया, कौन सा रिवर जो पेनिनसुलर। तो इनके आंसर आप गूगल पे मार के देख सकते हैं, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो इस पेपर का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों मैं फिर से बोलना चाहूँगा, जो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लिए, इसके बाद जो वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।